जौनपुर अदादारी .com की तरफ से आपका इस्तेमाल है और जौनपुर अदादारी वेबसाइट हमारी जो है जौनपुर की अदादारी को पूरी दुनिया तक सही मायने पहुंचाने का काम करती है। और जौनपुर की अदादारी के वक्त मैंने भी देखा है हर जगह कहीं ना कहीं आप की खिदमात का जिक्र भी होता है, दिखाई भी देती है, तो आज बेहतर है कि आपसे ही आपकी खिदमात के बारे में पूछ लिया जाए। तो मुख्तसर ये बताइए कि आपका क्या है, नाम क्या है या किस वतन कहाँ है, पैदाइश वगैरह कहाँ हुई? मेरा नाम पैदाइश मेरी सिपाह की जी। सिपाह घर हमारा मुल्ला ठाकुर टोले में। और आपको आठवीं के जुलूस के सिलसिले में आपकी शुरुआत कम से कम काफी होता है, तो ये इमामबाड़ा नाजिम अली से जुलूस निकलता है जी, तो उसके बारे में बताइए कि वहाँ से निकल के किस तरह से ये आगे जाता है। इमामबाड़ा नाजिम अली खान से उठकर ये इमामबाड़ा शेख इल्तिफात हुसैन में ठंडा होता है। इसकी मजलिस 2 बजे शुरू होती है, लगभग 8 से 9 बजे के बीच में ये वहाँ जाके खत्म होता है। इस जुलूस के दरमियान कुर्बत और दुलजना का मिलना इमामबाड़ा शेख इल्तिफात हुसैन के सामने सहन इमाम हुसैन कब्रिस्तान जिससे मिलना होता है। उसके बाद वहाँ से फिर ये इमामबाड़ा नाजिम अली खान को फिर वापस चला जाता है। और इसी मैदान में जंजीर का मातम वगैरह सब होता है, इसी मैदान में जंजीर का मातम होता है और लगभग 22 से 25 महीने में इसमें शिरकत। तो उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? उस वक्त मैं पूरे कंट्रोल रूम पे इसलिए रहता हूँ कि उसको पूरा कंट्रोल करने का काम आज 22-25 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। तो उस कंट्रोल रूम को आप संभालते हैं? जी जी जी। और इस जुलूस में कितने घंटे लगते हैं ज्यादातर? शुरू मजलिस के बाद से जुलूस शुरू होता है, मजलिस के बाद मजलिस 2 बजे खत्म होती है, लगभग 4 बजे जुलूस बरामद हो जाता है, 8 से 9 बजे के बीच में उसको ठंडा किया जाता है। अच्छा, अटाला मस्जिद के जुलूस में तो आपकी है, उसके अलावा अदादारी के सिलसिले में आप किस किस चीज से, किसी संस्था से जुड़े हैं किसी से? अदादारी काउंसिल का माई वाइफ प्रेसिडेंट माशाल्लाह जी, और जब भी वक्त वाला है कौम को याद किया है मैं उसे हाजिर होता हूँ, इसलिए कि जहाँ भी अदादारी के सिलसिले में मेरी जरूरत होती है मैं लबैक करने के लिए तैयार रहता हूँ, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होती है दूंगा और देता रहता हूँ। और अदादारी काउंसिल का जो काम है वो खास तौर से क्या है? ये महासंगठन है और बहरहाल मुझे भी अदादारी काउंसिल ने नाम दिया है अदादारी के सिलसिले में, तो इसका और क्या क्या काम है? एजुकेशन के सिलसिले में प्रमोट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और आजादी मुहर्रम के दिनों में इसका असल काम क्या रहता है? मुहर्रम के दिनों में जैसे कहीं कोई अगर आपस में कोई नाइतफाकी हुई तो सबसे अहम किरदार अदादारी काउंसिल का उसको खत्म करने में रहता है, मतलब सुकून से बगैर किसी जी सुकून से बगैर कोई दुश्वारियों से पूरी अदादारी हमारी मुकम्मल हो जाए। हाँ, मुकम्मल हो जाए इस सिलसिले में काम करती है। और अदादारी काउंसिल से जुड़े हुए और कोई खास नाम? अदादारी काउंसिल से जुड़े हुए खास नाम मास्टर मोहम्मद हसन साहब है, मास्टर साहब है, और जावेद सुल्तान साहब है, अली मंजर देगी साहब है, मतलब इस तरह के लोग। हाँ, मुख्तलिफ लोग हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, सबसे बड़ी तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि अदादारी के लिए आप जिक्र में इतनी खिदमत देते हैं। घर जबानी कहने में तो छोटा लगता है लेकिन ये जब अमली तौर पे इसको आप करते होंगे तो काफ़ी वक्त जाता होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमको आपने वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।